तो भाई लोग, स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर लीक हो चुका है जो प्राइवेट स्क्रीनिंग चल रही थी। एक्चुअली में मैंने आज सुबह ही वो ट्वीट किया हुआ था कि मैं स्पाइडरमैन का नो वे होम का लीक ट्रेलर नहीं देखने वाला, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ VFX और काफी सारे काम बाकी हैं। मगर फिर भी जैसे ही मैंने ट्वीट किया, कई सारे लोगों ने मुझे कई सारे पोस्ट में टैग किया, फिर स्क्रीन शॉट्स भी मेंशन कर दिए, तो भाई मेरा एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत तो रून हो ही गया। मगर इसमें फिर भी कई सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बिना अपना एक्सपीरियंस को खराब किए, क्योंकि वो पूरा विजुअल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ही तो हमें देखने में मजा आती है। और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सबको एक पॉसिबली स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूँ, ताकि आप सब ना चिल्लाने लगे कि पीजे तूने कैसे बता दिया। और वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो, जैसे ये सब सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सारी चीजें मैं तो एब्सोल्यूट ऑर्डर में तो नहीं बता रहा हूं, मगर फिर भी जैसे कुछ हमें जानकारियां पता चल रही हैं, उन सब के मुताबिक हमें पता चलता है कि MCU अपनी इसी मूवी से अपने सिनिस्टर सिक्स को खड़ा करना चालू कर देता है। अब हाँ देखो, इस ट्रेलर में आपको, मतलब कि इस पूरी मूवी में ही आपको पूरे सिनिस्टर सिक्स की टीम एक साथ तो नहीं देखने को मिलेगी, मगर कुछ की मेंबर्स आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। जैसे मेरा एक्सपीरियंस खराब करके लोगों ने बताया है कि ट्रेलर के आखिरी में अपना डॉग ऑक आते हैं हाई पीटर कहते हुए, उसके बाद इलेक्ट्रो भी देखने को मिल जाता है अपने येलो इलेक्ट्रिसिटी के साथ, क्योंकि पिछली बार के हिसाब से उन्होंने चेंज किया है और भी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट रखने के चक्कर में। और उसके अलावा भी अपने ग्रीन गोब्लिन का भी मेंशन देखने को मिलता है कि वो जो अनार टाइप क्या फेंक के मारता है, कद्दू टाइप। अबे चूतिया है क्या? उन सब सारी चीजों से अपने इस कैरेक्टर का भी मेंशन देखने को मिलता है। मगर अपने इस ट्रेलर का सबसे बड़ा सवाल है, इस पूरी कायनात का, इस पिक्चर का सबसे बड़ा सवाल है कि पीटर की आइडेंटिटी जो रिवील हो गई पूरी दुनिया के सामने, वो उसे कैसे कोप अप कर पाएगा। अब देखो, जैसे कि अपन सबको ये सब सारी जानकारी पता चली है, तो डिटेल्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि बस स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद उसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। देखो, कुछ परेशानियां तो उसके पास आएंगी, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी है, मगर उसकी ये आइडेंटिटी रिवील उसे काफी सारे बड़े छोड़ में डाल देती है कि स्कूल में काफी सारे लोग उसे किसी और नजर से देखने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियां पागल तो हो ही जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसके दुश्मनों को भी उसकी पब्लिकली भनक लग जाती है, सब उसे कंसीडर कर रहे हैं। और इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए वो एक शख्स के पास जाता है, जो कि आता है अपना डॉक्टर स्ट्रेंज। देखो, MCU में सुपर हीरोज का पब्लिक आइडेंटिटी में रहना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को अपनी प्राइवेसी की बहुत ही बड़ी चिंता है। उसे लेकर स्पाइडी भी अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात कहता है, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात पूरी तरीके से माइंड नहीं करते, आई थिंक उसको ही करते हैं। मगर पीटर फिर भी अल्टीमेटली और इवेंचुअली डॉक्टर स्ट्रेंज को पटा ही लेता है, और वो अपने स्पेल के थ्रू उसके ऊपर एक ऐसा कास्ट करते हैं जिससे पूरी दुनिया उसकी आइडेंटिटी के बारे में भूल जाती है। लेकिन इसके बाद भी एक थ्योरी ये भी आती है कि उसकी पब्लिक आइडेंटिटी भूल जाने के बाद, यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में उसकी गर्लफ्रेंड बनी है MJ, वो भी उसे भूल जाएगी, उसके दोस्त भी उसे भूल जाएंगे, पॉसिबली उसके सारे छोटे बड़े चाहने वाले उसे याद तक नहीं रखेंगे, इवन दो पेपर पॉट्स भी। सोच सकते हो ये स्पाइडरमैन के लिए बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न होगा, कि भले ही भाई उसने पास्ट में अपने आप को एक एक्सटेंड तक प्रूव कर दिया, मगर फिर भी उसे अपनी एक टेक्नोलॉजी की यूज पड़ती ही है, स्पेशली स्टार्क टेक्नोलॉजी की यूज पड़ती है। और जब कोई किसी को कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो उसकी मदद कोई करेगा ही क्यों। इसके अलावा भी कहानी के प्लॉट डिटेल्स के बारे में छोटे बड़े टिट्स बिट्स डिटेल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, मगर वो कुछ ज्यादा मेजर बड़े डिटेल्स नहीं है, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस को छोड़ के, क्योंकि VFX बहुत ही आधा अधूरा छूटा हुआ है। और ऐसा ही उन्होंने प्राइवेट स्क्रीनिंग पे दिखाया भी था। ट्विटर पे फ्लोट करते कुछ स्क्रीनशॉट्स की वजह से मुझे पता चला है कि भाई इस ट्रेलर को आधा अधूरा VFX के साथ रिलीज किया गया था। तो अच्छी बात है भाई, ऐसा मत देखो, अपना पूरा एक्सपीरियंस मजे लेने के लिए जब असली माल आ जाए तब देखना। अब देखो, सबसे बड़ी बात कि अपन को ट्रेलर कब देखने को मिलने वाला है पूरा फुल VFX के साथ। तो जैसा टॉम हॉलैंड साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी कि हम अभी तैयार नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। पॉसिबली ये बात हमें शांची की रिलीज डेट के बाद भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी 3 तारीख को अपनी शांची भी आ रही है और इंडिया में ऑफिशियली ब्लैक विडो भी रिलीज होने वाली है। तो भाई मैं अपन यही कहूंगा कि भाई जो भी तुम्हें ट्रेलर के स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पे फ्लोट होते दिख जा रहे हैं उन्हें देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इंटेंशनली ट्रेलर आधा अधूरा मत देखने जाओ, क्योंकि जैसा पिछली बार इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे हुआ था कि क्वालिटी तुमको एकदम झाटू देखने को मिलेगी, ऊपर से सारी चीजें क्लियर भी नहीं है और VFX भी तो पूरा नहीं हुआ है। तो अपना पूरा एक्सपीरियंस खराब मत करो, जब आ जाए तो पूरी दुनिया के साथ एक साथ देखो, उसके बाद तो ख्याल रखने वाले हम हैं ही, टेंशन मत लेना। और इसके अलावा अगर आपको स्टूडेंट देखे कुछ भी अच्छा लगा, कुछ मजा है, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। और अगर इसके बारे में और ट्रेलर के बारे में और कुछ बेहतर तरीके से आप सोचते हैं, या फिर आपको कुछ और भी रूमर्स के बारे में पता है, तो कमेंट से उसके बारे में मुझे जरूर मेंशन करिएगा बिना कुछ मेजर स्पॉइल किए। और होपफुली मैं मानता हूं कि आप इस सुपर हीरो कम्युनिटी की आदर मर्यादा की बात मानेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो को ज्यादा ही अच्छा लग गया, या फिर आपको डिटेल्स को ज्यादा ही पसंद आ गई, तो भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना बता के। मुझे फॉलो करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।